हरियाणा आर्थिक दृष्टि से हो या हमारे विकास की दृष्टि से हो या समाज की खुशहाली की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने अभी विधानसभा में अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट के हमारे जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं, जो उसके मापदंड होते हैं, उसके हिसाब से जाना जाता है कि किस प्रदेश की क्या स्थिति है। हमने जितने हमारे फिस्कल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो 15वें वित्त आयोग ने उनका आकलन किया हो, चाहे नीति आयोग ने किया हो, चाहे रिजर्व बैंक के नाते से आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हो, सब में हम अव्वल दर्जे पर हैं। हमारा जो ऋण की सीमा है, जिसको डेफिसिट कहते हैं, या ऋण की सीमा के नाते से जो हमारा जीएसडीपी का प्रतिशत पैरामीटर, पहले तो 25% होता था, वो 30% के आसपास को आकार यानी रखा गया है केंद्र की ओर से, हम उससे नीचे हैं, 26% 27% पर है। और हमारा पड़ोस का प्रदेश पंजाब प्रदेश, अभी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है तो मुझे आंकड़े हमारे वित्त सचिव बता रहे थे कि वहाँ 47-48% डेफिसिट हो गया उनका। ये स्थिति हमारी और पंजाब की चल रही है। कहने को पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई कहते हैं, लेकिन चूंकि एक ही साथ हमारा प्रगति का पैरामीटर शुरू हुआ था, लेकिन आज पंजाब के लोग भी मानते हैं, नहीं हरियाणा से हम, हरियाणा जो है हमारे से बहुत आगे निकल गया है।